नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल, ये दो ऐसे नाम हैं जो आज देश में सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के बाद इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए जुमे की नमाज के बाद देश भर में प्रदर्शन हुए। कई जगहों पर यह प्रदर्शन उग्र भी हो गया। मौजूद है, ये देखिए, सड़कों पर बिखरे पत्थर, जली गाड़ियां, तोड़फोड़ के निशान। तस्वीरें झारखंड की राजधानी रांची की है, जहां पैगंबर पर विवादित टिप्पणी को लेकर जुमे की नमाज के बाद हिंसक प्रदर्शन हुआ। आग लगी और पथराव के चलते पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई, वहीं 7 लोगों को गोली लगी है। हालांकि अभी तक प्रशासन की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। हालात का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि प्रदर्शन के दौरान उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया। एसएसपी समेत 3 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। रांची आए बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नबीन की गाड़ी पर भी उपद्रवियों ने हमला कर दिया। पत्थरबाजी के दौरान कुछ लोगों ने महावीर मंदिर में छिपने की कोशिश की। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने मंदिर पर भी पथराव कर दिया। पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे, हवाई फायरिंग भी की। भीड़ ने विधायक अमित यादव के गाड़ी के कांच फोड़ दिए। अब इस वीडियो को देखिए कैसे पत्थरबाज दनादन पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। इस दौरान एक पुलिसकर्मी अपने सीनियर को कॉल करते सुनाई दे रहा है। देखिए देखिए पत्थर चला रहा, देखिए देखिए, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, छिप जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, सर इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, सर पत्थर चल रहा है, सर हमको कवर में लगा, मेरा मोबाइल टूट गया सर, जल्दी से सर देखिए अभी पत्थर चला रहा है, सर फोर्स भेज दीजिए, सर फोर्स भेज दीजिए। उधर इस घटना से हिंदू संगठनों का गुस्सा भी भड़क गया और वे सड़कों पर उतर आए। इसके बाद रांची में एहतियातन धारा 144 लागू कर दी गई। देर शाम महावीर मंदिर में हिंदुओं ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। हालांकि प्रशासन ने बातचीत के बाद इन लोगों को वापस घर भेज दिया। रांची में बवाल के बीच DIG अनीश गुप्ता ने मोर्चा संभाला। आंसू गैस के लगातार गोले दागे गए। जुमे की नमाज को लेकर पहले से बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती रांची के मेन रोड पर की गई थी। रैपिड एक्शन फोर्स और इको कंपनी की भी तैनाती थी, लेकिन प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा के बीच पुलिस की तैनाती कम पड़ गई। दरअसल मुस्लिम संगठन शुक्रवार को BJP से निष्कासित प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान का विरोध कर रहे थे। विरोध में सुबह से ही डेली मार्केट की 3000 से ज्यादा दुकानें बंद रहीं। जुमे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए। पुलिस ने उन्हें रोका तो भीड़ उग्र हो गई और इनकी पुलिस से भिड़ंत हो गई।